गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड. ओके, दिस इज़ योर मैथ क्लास. प्रीवियस आई विल गिव यू टेबल ऑफ टू एंड थ्री. सिंपल टेबल टू एंड थ्री. आई होप यू लर्न दिस टेबल एंड डू द होमवर्क. सो स्टार्ट आवर क्लास. Today I will give you dodging table. Dodging table of 2. Dodging table of 2. First of all mention the date 3/30/7/20 homework. Dodging table of 2. Look at here. This is the dodging table. You see what is the difference of simple table and dodging table? देख रहे हैं आप क्या डिफरेंस है सिंपल टेबल और डॉजिंग टेबल में? ओके, आई विल टेल यू. लुक एट हियर, दिस इज द सिंपल टेबल. टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू सेवन जा 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. This is the simple table. Okay, this is the simple table of 2. Okay, so today I will teach you dodging table. Look at here. This is the dodging table. Dodging table means beech-beech mein se dena, beech-beech mein se likhna. जैसे कि टू टेन जा, टेल मी टू टेन जा, बताइए मुझे, आपने लर्न किया है ना, टू टेन जा ट्वेंटी. सो राइट हेयर ट्वेंटी. टू एट जा, टू फाइव जा, टू फोर जा, टू वन जा, टू सिक्स जा, टू नाइन जा, टू थ्री जा, टू सेवन जा एंड टू टू जा. ओके, यू राइट हेयर द आंसर. टू टेन जा ट्वेंटी, टू एट जा सिक्सटीन, ये आपको लिखना है. अब तो आपको लर्न हो गया है टेबल. ओके, तो ये होता है डॉजिंग टेबल, बीच बीच में से लिखना. सिंपल टेबल टू वन जा टू, यहाँ टू सिंपल टेबल लिखेंगे तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ऐसे लिखेंगे. ये मैंने आज आपको डॉजिंग टेबल दी है, मतलब मिडिल मिडिल में से लिखना. टू टेन जा, टू एट जा, टू फाइव जा, टू फोर जा, टू वन जा, टू सिक्स जा, टू नाइन जा, टू थ्री जा, टू सेवन जा एंड टू टू जा. ओके, तो आपको डॉजिंग टेबल अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखना है. ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है. टू टेन जा कितने होते हैं, टेल मी ट्वेंटी, यहाँ ट्वेंटी लिखना है. अब आपको लिखना है टू एट जा कितने होते हैं, टू फाइव जा, टू फोर जा, ऐसे आपको पूरी लाइन में यहाँ लिखना है. तो आज के लिए इतना ही, और आपको टेबल अच्छे से लर्न करना है, थ्री का टेबल, टू का टेबल, फिर हम आगे और भी टेबल्स लर्न करेंगे, नंबर नेम करेंगे, बहुत सारा काम बाकी है बेटा. पहले ये जल्दी जल्दी से आप लर्न कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, आप तो फोटो क्लिक करके भेजते ही नहीं है, लर्न करने वाली वीडियो भी नहीं आपने रिकॉर्ड करके भेजी, तब मुझे पता चलेगा ना कि आपने लर्न किया है. जब आपने लर्न कर लिया तभी तो मैं आगे फिर भेज आगे आपको वर्क कराऊंगी ना. ठीक है, ओके, सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक. बाय बाय.